महासंतत मर्थान खिला प्रकाशयतु बिल्कुल वीणाधरे विपुल मंगलदान शीले भक्तार्तनाशिनि हर बिरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे खिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। शोभना मेंटल हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेंथिंग पॉजिटिविटी एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग विषयक वेबिनार के सातवें दिन मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर हंडिया प्रयागराज महाविद्यालय परिवार की तरफ से सभी सुधी प्रतिभागियों को विद्वान साथियों को आज के मुख्य वक्ता महोदय को यथोचित अभिवादन ज्ञापित करता हूँ और हृदय की अनंत गहराइयों से सभी का स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। 11 तारीख से प्रारंभ हुआ ये वेबिनार आज अपने सप्तम दिवस में है और आज आपने पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आज हमें लगता है संतोष जी आज आखिरी दिन होगा मुझे जैसा ज्ञात हुआ है। तो इस पूर्ण दिवस या वेबिनार की पूर्णता दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और बड़ी खुशी हमें इस बिल्कुल बात की है कि आज वास्तव में इसकी पूर्णाहुति होगी क्योंकि हमारे बीच में ऐसे विद्वान अपने वक्तव्य के द्वारा हम लोगों को आज लाभान्वित करने चल रहे हैं जिनका विद्वत समाज में एक बड़ा नाम है। हम आपके विषय में सुना करते थे लेकिन आज हम आपको अपने बीच में पा करके बड़े कृतकृत्य हैं और बड़े ही गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। आपका सर विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन है क्योंकि आपके मुख से जो आज की ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी उससे इस संकट काल का जो पूरा दुख दर्द है वो निश्चित रूप से धुल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। साथियों, विद्वान साथियों, आज हम जिनको सुनने जा रहे हैं वो बिल्कुल हनिया पीजी कॉलेज में जो है एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत के पद पर कार्यरत हैं और संस्कृत जगत में के देदीप्यमान सितारे, क्या कहें आप, सूर्य हैं। आप शिक्षण और अनुसंधान का एक व्यापक व्यापक अनुभव रखते हैं, लगभग 25 वर्ष, जिसे आप कह सकते हैं कि रजत जयंती वर्ष आपका अनुभव जो है वो पर्याप्त है। और सबसे बड़ी चीज शिक्षक के लिए होती है कि समय के अनुरूप शिक्षण की पुस्तकों का सृजन करना। आपके द्वारा अनेक पुस्तकों का सृजन किया गया है और पुस्तकें एक भाषा में नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी भाषाओं में है। संस्कृत शिक्षण की दृष्टि से आपका अभूत योगदान है। आप अनेक नेशनल, अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स का प्रकाशन भी करते हैं, उसमें विशेष रूप से वाको वाक्यम और नवगवेषणा, ये दो जो जर्नल्स हैं आपके बहुत ही संस्कृत जगत में प्रतिष्ठित हैं। आपकी प्रतिष्ठा इसी में है। आप सोचें कि 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार्स में आपके पेपर प्रेजेंट हो चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय जो संस्कृत कॉन्फ्रेंस हुआ करती है, हमें लगता है चौथे या पांचवें साल हुआ करती है, उसमें कई कई पेपर आपके प्रेजेंट हो चुके हैं और 75 से अधिक जो शोध पत्र हैं आपके प्रकाशित हो चुके हैं और बहुत सारी पुस्तकों के चैप्टर्स, बहुत सारी पुस्तकों का संपादन आपके द्वारा हुआ है। वस्तुतः आप ये जाने कि हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसमें कहा जाता है कि कवि कवि जो होता है वो क्रांतदर्शी होता है, वो देश की परिस्थितियों को या विश्व की परिस्थितियों को भली भांति समझता है और जो कुछ वो कहता है वो अकाट्य होता है। और आपकी जो वाणी आज हम लोगों के समक्ष सुनने को प्राप्त होगी वो निश्चित रूप से अकाट्य होगी क्योंकि आप एक अच्छे संस्कृत के कवि भी हैं और हमारे जो साहित्य है, साहित्य में काव्य
और काव्य में भी जो नाट्य साहित्य है वो बहुत उपयोगी माना जाता है और वो संप्रेषणीय माना जाता है। उसके द्वारा जो दिया जाता है संदेश वो लोगों तक गहराई तक पहुंचता है। तो आप कवि तो हैं ही, उसके साथ ही साथ आप एक नाट्य निर्देशक और नाट्य का कुशल संचालन भी करते हैं। आपने अनेकानेक नाट्यों का मंचन करा करके ये सिद्ध किया हुआ है। हमारे ऐसे विद्वान साथी, आपके विषय में अगर कहा जाने लगे तो पूरा व्याख्यान उसी पर आधारित होगा, हम अधिक समय नहीं लेना चाहते। बस इतना ही हम कहेंगे कि आप हम लोगों को आज जिस ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने आए हैं निश्चित रूप से वो हमारे लिए उपयोगी होगा। साथियों, जो सर का आज का टॉपिक है, वर्तमान वैश्विक संकट के परिप्रेक्ष्य में प्राच्य भारतीय ज्ञान परंपरा का चिंतन अनचिंतन, यह निश्चित रूप से आज इस वेबिनार को पूर्ण करेगा। आप समझें कि जो हमारी स्थापित परंपराएं हैं, जो हमारे स्थापित संस्कृति है, जो हमारे स्थापित संस्कार हैं, जो हमारे कार्य व्यवहार की शैली है, जो हमारे मानव मूल्य स्थापित हैं, वो निश्चित रूप से अगर उनका पालन जीवन में किया जाए तो ये जो कोरोना का संकट हमारे समक्ष आज आया है, कोरोना ही नहीं जितने भी संकट, वैश्विक महामारी हो चाहे जो भी संकट हो, हमारे जो ज्ञान विज्ञान का जो क्रम हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है वो निश्चित रूप से उपयोगी है और वो विश्व के संकट को दूर करने में सक्षम है। तभी हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि पूरे विश्व को अगर कोई दिशा दिखाएगा तो भारत देश ही दिखाएगा। तो भारत देश की ऐसी जो ज्ञान परंपरा है उसके विषय में सर के द्वारा हम लोग लाभान्वित होने चल रहे हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए पुनः आप सभी का हम स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हुए सर को हृदय से आमंत्रित करते हैं कि सर आएं और आप अपनी ज्ञान निर्धारिणी से इस महामारी को दूर करने के विषय में जो हमारी ज्ञान परंपरा है उससे परिचित कराएं। डॉक्टर विवेक पांडे सर। धन्यवाद विश्वकर्मा जी, आपने मेरे विषय में ये व्याख्यानों के मैं महाविद्यालय की माननीय प्राचार्य डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी जी को आज का जो संकट का समय है उसमें इस प्रकार की चर्चा करना निसंदेह आवश्यक है, जहां मन कहीं स्थिर हो। मैं पुनश्च प्राचार्य जी को धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे अनुजभूत डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जो अत्यंत उत्साह और अपने तकनीकी ज्ञान की वजह से इस प्रकार के कार्यक्रम को बहुत ही सुंदरता से संचालित कर रहे हैं और आज मुझे इस व्याख्यान का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं संतोष जी को भूरी भूरी धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम के कन्वीनर हिंदी विभाग के डॉक्टर जयदेव जी, आज प्रारंभ में उनसे मुलाकात भी हुई, मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से मेरा एक परिचय देने के लिए और वो भी विशिष्ट परिचय देने के लिए, जैसा कि मैं नहीं हूं वैसा परिचय देने के लिए। मित्र डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी को भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सभी को विदित है कि पूरा का पूरा विश्व COVID-19 से जूझ रहा है। आज देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण भी पूर्ण होने वाला है, आज 17 तारीख को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज 17 मई को उसने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में स्वीकार किया है। प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है और इस कोरोना के काल में निस्संदेह है हर कोई एक विशेष तनाव से जूझ रहा है। न वैक्सीन है, न दवा है, आगे कब तक ये आएगा इसकी संभावना बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है।
यह निस्संदेह है एक आपत्ति का काल है। संपूर्ण विश्व परेशान है, मानसिक तनाव अवसाद से ग्रस्त हो रहा है। जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र थे, वैभव से युक्त राष्ट्र थे, आज कहीं न कहीं हतप्रभ दिखाई दे रहे हैं। सभी स्वरक्षा में परेशान हैं। एक भय का, व्याकुलता का माहौल पूरे विश्व में व्याप्त है। सारे के सारे जो भौतिकवादी नियमन थे, कहीं ढहते हुए नजर आ रहे हैं। सभी बंद कमरे में इस विषाणु से मुक्ति के लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं। ऐसे में उस प्राच्य भारतीय ज्ञान परंपरा का चिंतन अनुचिंतन आवश्यक हो जाता है, जहां स्व से लेकर के सर्व तक की बात कही गई है। स्व में स्थित रहने को ही स्वस्थ होना कहते हैं। हम बाहर तो बहुत भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन कभी भी स्व में स्थित नहीं होते हैं। उस स्व से लेकर और सर्व, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की संकल्पना वाला, जहां स्व में स्थित होकर के सभी रहते हैं, ऐसी है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके चिंतन के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और मुझे इसमें कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। वस्तुतः भारत अपने भौगोलिक विस्तार में उपमहाद्वीप है, लेकिन अपने सांस्कृतिक और ज्ञान वैभव में एक महाद्वीप, या यह कहा जाए कि एक महादेश है। इसकी प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति का जो वाहकत्व है, वह अति विशिष्ट ज्ञान परंपरा संपूर्ण विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है सदा से। विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेदों से लेकर के अद्यतन रचित ज्ञान परंपरा सचमुच अद्भुत है। अगर संपूर्ण ज्ञान परंपरा के विस्तार को क्रमवार सोपानवार अगर हम विचार करें, तो सर्वप्रथम जो हमारे वेद हैं, जो अत्यंत प्राचीन हैं, अगर अवतरित होने की भारतीय मान्यता को देखा जाए, तो अगर 2020 में देखा जाए तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 1,96,08,53,117 वर्ष होते हैं। प्रारंभ में ये श्रुति मूलक रहा, बाद में इसका लेखन हुआ। ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। ये मनीषा कितनी प्राचीन है, ऐसे इसको 5,000 से 7,000 वर्षों के मध्य लोगों ने बांट रखा है। इन वेदों में हमारे जो सुनने वाले हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों के, मैं स्वयं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि विभिन्न विषयों के लोग हैं, इसलिए मैं बहुत गंभीरता में न जा करके एक सामान्य सी छोटी मोटी जानकारी बीच बीच में मैं अवश्य दे देना चाहूंगा कि वेदों का स्वरूप मंत्र, ब्राह्मण, आर्यनक, उपनिषद आदि के रूप में चार भागों में बटा है, और इनको संरक्षित करने के लिए वेदांगों की संरचना की गई है। इनके जो मुख्य विषय हैं, वह देव, अग्नि, रुद्र, विष्णु, मरुत, सरस्वती आदि शब्दों को लेकर के है। इसमें ज्ञान का जो प्रतिपाद्य है, कर्म का जो प्रतिपाद्य है, उपासना का प्रतिपाद्य है, और जो विज्ञान का प्रतिपाद्य है, वह इसमें निहित है। विज्ञानवादी होने के नाते ही संपूर्ण विश्व ने इसको मुक्त कंठ से स्वीकार किया और अंकसात भी किया। जीव, ईश्वर, प्रकृति, इन तीन अनादि नित्य सत्ताओं का निज स्वरूप केवल वेदों में ही उपलब्ध है। वेदों में प्रकृति का जो रूप प्रदान किया गया है, देवों का जो स्वरूप प्रदान किया गया है, देवताओं का जो चरित्र चित्रण किया गया है, प्रकृति को देव के रूप में जो उपस्थापित किया है, वह अद्भुत है। इसको संपूर्ण विश्व स्वीकार करता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे,
जो कुछ भी पिंड में है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में है, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, पिंड में ही ढूंढिए। वेदों के बाद स्मृति आती है जो मानवीय जीवन के संस्कारों को नियत करती है। उसके बाद पुराण है जो भी सर्ग और उत्पत्ति और प्रलय, इन सब की चर्चा पुराणों में भी होती है। ये लंबा ज्ञान की परंपरा रही है संस्कृत की, और उसके बाद आधुनिक काल तक विभिन्न प्रकार के गद्य पद्य नाटक इत्यादि लिखे गए। इन परंपराओं में जो प्राच्य हमारी ज्ञान परंपरा रही है, उन सारी परंपराओं में ब्रह्मांड के समस्त चराचर का मंगल विधान किया गया है। पग पग पर जो विविध आर्षव वाक्य हैं, वो सभी के कल्याण की कामना करते हैं। महर्षि व्यास ने मानव के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि गुह्यम ब्रह्म तदिदम वो ब्रवीमि। मैं आप लोगों को ये गुह्य बताता हूं। क्या बताता हूं? नमानुषात श्रेष्ठतरम भी किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। इस प्रकार के वाक्य, क्योंकि मनुष्य के पास जो बुद्धि की थाती है उससे वह बहुत कुछ निर्माण और प्रलय की स्वयं ही क्षमता रखता है। व्यास ने कहा कि अष्टादश पुराणे सु व्यासस्य वचनद्वयम्। देखिए, पुण्य और पाप की परिभाषा प्रदान कर रहे हैं कि परोपकार पुण्याय। पुण्य वही है जो परोपकार है, और पापा या परिपीडनम, और ये पाप क्या है? दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। एक बहुत ही सीधी सरल भाषा में पाप और पुण्य की परिभाषा प्रदान की गई है। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया जैसे वाक्य संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं, जहां सबके निरोग रहने के लिए, सबके सुखी रहने के लिए, सबको सुख दर्शन प्राप्त हो, शुभ दर्शन प्राप्त हो, कोई दुख से ग्रसित न हो, ऐसी कामना की गई है। सभी मानव ब्रह्मांड के जितने भी मनुष्य हैं सभी समान हैं, इस यह भी वचन वेद में प्राप्त होता है। अज्येष्ठासु अकनिष्ठासु एते संभ्रातरो बावृधु सौभगाय, समगच्छध्वम हम सब लोग साथ में चले, समवदध्वम हम सब एक बात करें। इस समय पूरा विश्व एक बात कर रहा है। समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, समानी मंत्र समिति ही समानी समानम मन सहचित्तमेशाम। इस समानी व आकूति ही समानानि हृदयानि वह समान वस्तु वो मनो यथा वह सुसाहसति। इस प्रकार वैदिक मंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार से समानता की बात कही गई है। हम सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, यह संपूर्ण विश्व के लिए यह बात हमारा ऋषि कहता है। और इस समानता के साथ ही जो विचार का क्रम होना चाहिए, उस विचार के क्रम को भी हमारे श्रीहर्ष प्रदान करते हैं। आज हम लोग वेबिनार के माध्यम से किसी ज्ञान को किस प्रकार प्रदान करें, इस प्रकार की सूक्तियों को, जो मानव कल्याण की बातें हैं, उसको किस प्रकार से लोगों को पहुंचाएं, इसके लिए श्रीहर्ष कहते हैं कि अधीति बोधाचरण प्रचारण ही। ये पहला सोपान है अधीति। सर्वप्रथम तो हम ग्रहण करें, दूसरा उसका बोध। ग्रहण तो कर लिए हैं, लेकिन यदि उसका बोध नहीं है तो उस ग्रहण का कोई तात्पर्य नहीं है। और बोध भी अगर है, यदि विषय को मैंने समझ भी लिया है लेकिन वह यदि आचरण में नहीं है तो उस विषय का कोई तात्पर्य नहीं है। और चौथा चरण है आचरण में आने के पश्चात उसको उसी स्वरूप के साथ प्रचारण। सामान्य रूप से जब कोई बिना विचार किए सोशल मीडिया पे अपनी चीजों को डालता रहता है तो यही लगता है कि पहले उसको उस चीज का बोध होना चाहिए,
उस अधीत ज्ञान का बोध होना चाहिए, फिर उसके अनुरूप उसका आचरण होना चाहिए। जब वह स्वयं परीक्षा कर ले उन सारी चीजों की, तब वह प्रचार नहीं है, तब उसका वह प्रचार करे, तब वह जनता के सम्मुख उस ज्ञान को लेकर के जाए। संपूर्ण विश्व इस समय मंगल की कामना कर रहा है, परेशान कर रहा परेशान है। हमारे यहाँ एक उक्ति है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, हमारा संस्कृत, ये संस्कृत भाषा जो है और हमारी भारतीय संस्कृति। वर्तमान वैश्विक संकट में संपूर्ण विश्व मंगल का आकांक्षी है, सर्वत्र शिवत्व की तलाश कर रहा है। इस वेबिनार में जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी होंगे, संस्कृत के शिक्षक होंगे, वे इस समय अभिज्ञान शाकुंतल का वह प्रथम श्लोक, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विधिहूतम या हविर्याच होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहुः सर्व बीज प्रकृति रीति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। हमारा जो मंगल है, जो कल्याण है, वही शिव है, और वह शिवत्व प्रकृति के हर अंग में है। ये जो अष्टमूर्तियां बताई गई है, सृष्टा ने जो आदि सृष्टि की, वह जल रूप है, वह भी देवता है, वह भी हमारा मंगल करता है। वहति विधि हूतम या हवि, जो विधि पूर्वक हविष्य को लेकर के जाता है, अर्थात अग्नि रूप मूर्ति, यह भी हमारी देवता है। याच होत्री, और जो यजमान है, ये द्वे कालम विधत्तः, जो दो कालों का विभाजन करते हैं, अर्थात पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा। तो इस प्रकार जल, अग्नि, यजमान, सूर्य और चंद्रमा, श्रुति विषय गुणा, शब्द गुणकम आकाशम, यह जो आकाश है, आकाश का तात्पर्य खाली स्थान होता है। या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो विश्व को व्याप्त करके स्थित है। हम लोग अनेक वर्षों से, विगत जब से मैंने होश संभाला, तब से प्राकृतिक पर्यावरण की चिंता हम लोग करते आ रहे हैं। लगातार सेमिनार्स में हम लोग कहते रहे हैं कि अगर हम सावधान नहीं हुए इस प्रकृति के साथ सहज स्वव्यवहार करने में, तो कहीं ना कहीं हम परेशानी, कहीं ना कहीं हम संकट की स्थिति में फंस जाएं। तो जो जल रूप मूर्ति है, जो अग्नि रूप मूर्ति है, जो यजमान है, जो दो कालों का विधान करता है, श्रुति विषय गुणा, जो आकाश है, जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, या माहुः सर्व बीज प्रकृति ही, जिसको सभी बीजों की प्रकृति अर्थात उत्पत्ति कहते हैं, अर्थात भूमि। हमेशा हम लोग भूमि को शोषण की दृष्टि से, संपूर्ण प्रकृति का जो दोहन किया हम लोगों ने, हम सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भर करते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रकृति का दोहन किया। इसीलिए प्रकृति ने विकृत रूप धारण करके हमारे सम्मुख एक नवीन संकट को उत्पन्न किया। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, अर्थात वायु तत्व, ये सभी जो आठ तत्व हैं, वह आभि प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः, ये प्रत्यक्ष जो हैं, आवतु हम लोगों की रक्षा करे, यही तो शिव है। इसीलिए प्रकृति के प्रत्येक तत्व को हम लोगों ने शिव, ईश्वर की संकल्पना प्रदान की। हम प्रकृति के साथ एक एव शिवः,
शिव एक ही हैं, साक्षात चिन्मयानंदमयो विभो। वह चित और आनंद से युक्त है, वह विभुत्व से युक्त है, निर्विकल्पो निराकारो निर्गुणो निष्प्रपंचका। दो शब्द आते हैं सत्य और दूसरा शब्द आता है रित। सत्य में अस धातु है, जो स्टैटिक ट्रुथ है वही सत्य है, और जो रिगत रिंगत उद्गत धातु है अर्थात जो गमनशील है जो डायनेमिक ट्रुथ है वही रित है। तो अनाद्य विद्या संबंधो तदंशो जीवनामक, वही जीव है तेन शब्दार्थ चिंतासु नसावस्था नयः शिवः। तो भोक्तैव भोग्य भावेन, वह शिव भोक्ता में भी है और भोग्य में भी है। सदा सर्वत्र संस्थितः, वह सर्वत्र अवस्थित रहता है। शिव की ये अष्टमूर्तियां जो हैं, प्रकृति के ये आठ जो तत्व हैं, वह परस्परापेक्षा का निर्वाह करते हुए ही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन किया करती है। कलितान्योन्य सामर्थ्यैः पृथिव्यादिभिरात्मभिः येनेदं ध्रियते विश्वं धुर्येर्यानमिवाध्वनिः। ये सब सारी प्रकृतियां एक दूसरे से जुड़ करके, जल तत्व पृथ्वी तत्व से जुड़ करके, इसी से जो वेदांत का पंचीकरण सिद्धांत है, जो पृथ्वी महातत्व है वह 1/2 है और शेष जो तत्व है वो 1/8 सभी तत्व मिल करके एक महातत्व की रचना करते हैं। इस शिवत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जीव प्रत्येक तत्व के साथ अगर हम ईश्वर की संकल्पना के साथ रहें तो निस्संदेह हमारा मंगल विधान तो होगा ही होगा। शिव मानस पूजा का एक श्लोक स्मरण हो आ रहा है कि आत्मा त्वम हे भगवान शंकर, आप ही आत्मा हैं, मेरी आत्मा आप ही हैं। गिरिजा मति ही, और जो गिरिजा है वही हमारी मति है। सहचराः, आपके जो सहचर हैं वही हमारे प्राणाः। शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना, जितने भी विषयों का हम उपभोग कर रहे हैं वही तो आपकी पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति ही, जो हमारी निद्रा है वही समाधि स्थिति है। संचारः परयोः प्रदक्षिण विधि, हमारा जो चलना होता है वही आपकी प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वागिरः, और जो स्तोत्र हैं जो मैं दिन भर भी बोलता रहता हूं वो सब आपके स्तोत्र हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमको हर बोलने हर उठने हर उठ बैठने में मंगल मैथा का ध्यान तो रखना ही होगा। इसीलिए यद्यत कर्म करो, मैं जो जो कुछ भी करता हूं तत् तदखिलम, वह सब कुछ शंभो तव आराधनम। हे भगवान शंकर, आपकी ही तो आराधना है। प्रकृति के प्रत्येक तत्व को देव स्वरूप अगर मान लिया जाए, उनके प्रति श्रद्धा की जाए, तो निस्संदेह हम उसका उनका शोषण कभी नहीं करेंगे। ओम शन्नो मित्रह शन विष्णु हो, शन्नो भवत्यरम अर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णु रुक्रमः, नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वच्मि, ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि,
हम उसी को जो है प्रत्येक प्रकृति के तत्व के प्रति अगर देव का भाव रखेंगे तो निस्संदेह हम उनका शोषण नहीं करेंगे। अपने आत्मानम रथिनम विद्धि, इस जीवात्मा को तुम रथी समझो, शरीरम रथमेव तू, और शरीर को जो है रथ समझो, बुद्धिम तो सारथिम, और जो आपकी बुद्धि है वही सारथी है, वही चलाने वाला है, और वह यदि मंगल से युक्त नहीं हुआ तो वह आपको अमंगल की तरफ लेता चला जाएगा। विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, और जो मन है वह प्रग्रह अर्थात लगाम के सदृश है। मन अत्यंत चंचल होता है, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान्, इन इंद्रियों को ही जो है घोड़े समझो, निस्संदेह इन सारे तत्वों को ठीक ढंग से समझते रहोगे, शरीर रूपी रथ का भोग करने वाला बताया गया है आत्मा को, तो इनका ठीक ढंग से नियंत्रण करते हुए अगर इनके प्रति अनुगमन किया जाए तो ये निस्संदेह हमारी रक्षा करेंगे, विश्व की रक्षा करेंगे। राग द्वेष विनुर्मुक्तः, राग देश द्वेष से मुक्त रहते हुए सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों में हित की अगर भावना होगी, दृढ़ बोधश्च धीरश्च, इस प्रकार का दृढ़ बोध हो, धीरता हो, तो सा गच्छेत परमं पदम, तो वही श्रेष्ठ पद को, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। तो शुद्ध्वनः पारम आप्नोति तद विष्णोः परमं पदम, वही परम कल्याण को प्राप्त करता है, क्योंकि अग्रहित मना को सुख नहीं प्राप्त होता है, जो अगर मन को नहीं पकड़ेगा उसको सुख नहीं प्राप्त होगा। इन समग्र के अतिरिक्त योग ने इसका अलग अलग विश्लेषण कर रखा है। जो हमारी भारतीय परंपरा, हमारी प्राच्य भारतीय मनीषा को पूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करता है, पारदर्शी तरीके से स्पष्ट करता है, जो यम नियम इत्यादि हैं। यम जिनमें पांच प्रकार से के इसकी सामाजिक नैतिकता को बताया गया है, जिसमें अहिंसा है, और अहिंसा का तात्पर्य है सिर्फ शब्दों से नहीं, विचारों से नहीं, कर्मों से नहीं, मतलब किसी को हानि ना पहुंचे, शब्द तक से ना हानि पहुंचे, विचार तक से ना हानि पहुंचे, कर्म तक से ना हानि पहुंचे, ऐसी अहिंसा यम की कोटि में है। ठीक उसी प्रकार सत्य के साथ है, विचारों में सत्य हो, परम सत्य में स्थिर रहना, ऐसा विचार मन में है वैसा ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना, ये यम है, और यही संयमित रूप से रहता है तो यह संयम हो जाता है। इस प्रकार का संयम हमारी भारतीय परंपरा सिखलाती है। अस्तेय, चोरी न करना, यह बहुत बड़ा शब्द है, सामान्य रूप से हम मन से चोरी करते हैं, हृदय से चोरी करते हैं। इसके अलावा यम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य के दो अर्थ हैं, चेतना को ब्रह्म में स्थिर कर, और सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना, यह ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचित न करना, और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा न करना, ये तो हुए यम। भारतीय प्राच्य मनीषा में नियम भी पांच, वो यम तो सामाजिक है, पांच व्यक्तिगत नैतिकता है, शौच, शरीर और मन की शुद्धि,
संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तप अर्थात स्वयं में अनुशासन पैदा करना, स्वाध्याय अर्थात आत्मचिंतन करना, और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना को रखना, यह ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आता है। चक्षुषा, मनसा वाचा, कर्मणा च चतुर्विधम्, प्रसादयति यो लोकम् तम लोको नु प्रसीदति। आंख से यदि आंखों में मंगल की भावना हो, मन में मंगल की भावना हो, वाणी में मंगल की भावना हो, कर्म में मंगल की भावना हो, यदि हर जगह शिवत्व है, तो प्रसादयति यो लोकम्, इस प्रकार से जो लोक को प्रसन्न करता है वह लोक से प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के विधान किए गए हैं जो हमारी जीवन शैली के साथ आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सामान्य रूप से हम गैस की गोली तो खा लेते हैं लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं है। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धे त स्वस्थो रक्षार्थ आयुष, आयु की रक्षा के लिए अर्थात स्वस्थ मनुष्य अपनी आयु की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इस प्रकार से स्वास्थ्य की रक्षा जीवन के प्रत्येक क्रम को बता रखा है। जगने के लिए ही नहीं, सोने तक के लिए संस्कृत में बताया गया है कि सुखम शेते सत्यवक्ता, सुखम शेते मितव्ययी, जो सत्य बोलने वाला होता है वह सुख से सोता है, और सुखम शेते मितव्ययी, जो संयमित होकर के व्यय करता है वह भी सुख से सोता है। हितभुक, जो अनुकूल भोजन ग्रहण करता है, मितभुक और परिमित भोजन ग्रहण करता है, चैव तथैव विजितेन्द्रियः, सत्य बोलने वाला, मर्यादित रूप से व्यय करने वाला, हितकारक पदार्थ आवश्यक प्रमाण में रखने वाला, तथा इसमें इंद्रियों पर विजय पाना, यह जो प्राप्त करता है वही चैन की निद्रा भी सोता है। इसके अतिरिक्त शरीर और मन के बारे में भी बताया गया है कि शरीरम ही सत्वम अनुविधीयते सत्वम च शरीरम, रोगोत्पत्ति में शरीर और मन में पारस्परिक संबंध को स्थापित करते हुए कहा गया है कि जैसा मन होगा वैसा ही शरीर, और जैसा शरीर होगा वैसा मन होगा। इस शरीर में पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां को कार्यरत करने वाले मन की भी तीन प्रकृतियां होती हैं, सात्विक, राजस और तामस। इसमें सात्विक श्रेष्ठ है और राजस तामस विकारयुक्त मानी गई है, इसीलिए अष्टांग हृदय में कहा गया है रजसः तमसः शौच दोषो उद्यत क्रमम्। मुख्य रूप से सात्विक भाव के साथ विकार कम होता है, नहीं होता है, और राजस और तामस विकारयुक्त तो हो जाता है। आहार के भी विषय में कहा गया है कि प्राणः प्राण भूतानाम अन्नः, अर्थात प्राणियों में प्राण आहार ही होता है। भोग्य और भोजक एक ही स्वरूप है, लेकिन आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन हितकारी आहार का सेवन करना निरंतर आवश्यक है। साथ ही दिनचर्या भी उसकी नियमित होनी चाहिए। जो व्यक्ति समस्त क्रियाओं का विचार पूर्वक पालन करता है, इंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं होता है, हमेशा दूसरों को ही देने की भावना रखता है, दानशील होता है और सभी में समान भाव रखता है, सत्यवादी और क्षमावान होता है,
वह अपने पूज्य व्यक्तियों के वचनों का पालन करता है, वह प्रायः रोगों से दूर रखता है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषय स्वशक्त दाता समह सत्य पराक्षमावान आप्तोपसेवी सभवंत रोगः। व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार आहार भी सात्विक राजस और तामस इन तीन प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है वह तदनुरूप आहार ग्रहण करता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य ककर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम सभी का एक ही प्रयास इस समय है इस COVID-19 के काल में कि स्वास्थ्य में जयते, सत्य में जयते जिस प्रकार से है हमारा, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य में जयते अर्थात स्वास्थ्य की ही विजय हो। निस्संदेह हम सभी इस वायरल पे विजय प्राप्त करें, हमारी संस्कृति का भी यही उद्घोष है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि वयम अमृतस्य पुत्राः, अर्थात हम सभी अमृत की संतान है। इसी संपूर्ण विश्वास व सत्संकल्प को हृदयस्थ कर हम सभी सुखी रहें एवं रोगमुक्त रहें और शीघ्र ही इस अदृश्य शत्रु से हम लोग मुक्ति प्राप्त करें, यह संपूर्ण मानवता रक्षित हो। ओम द्यौः शान्तिः, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, सर्वः शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामः शान्तिरेधि, ओम शान्तिः शान्तिः शांतिः। इस प्रकार के शांति के जो हमारे वाक्य हैं, जो हमारे उद्घोष हैं, वह निस्संदेह संपूर्ण विश्व का मंगल विधान करेंगे। हमारे आद्य शंकराचार्य ने निर्वाण शतकम में लिखा है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। मैं मन बुद्धि अहंकार और स्मृति भी नहीं, मैं कान जिह्वा नाक और नेत्र भी नहीं, न मैं आकाश हूं न भूमि हूं न तेज हूं न वायु हूं, मैं परम चैतन्य स्वरूप हूं आनंद हूं मैं शिव हूं। न च प्राण संज्ञो न वै प्रंच वायु न च नवा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक्पाणि पाद न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। न मैं मुख्य प्राण हूं नहीं मैं पांच प्राणों में अर्थात प्राण उदान अपान व्यान समान कोई हूं, न मैं सप्त धातुओं में हूं त्वचा मांस मेद रक्त अस्थि मज्जा, और न पंचकोशों में हूं अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय, न मैं वाणी हाथ पैर हूं न मैं जननेन्द्रिय हूं न मैं सिर्फ चैतन्य स्वरूप हूं आनंद हूं मैं शिव हूं। न मे द्वेष रागो न लोभो लोभो न मोह मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मुझ में राग न द्वेष न लोभ न मोह नहीं मुझ में मद है नहीं मुझ में ईर्ष्या की भावना है न मुझ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही है मैं चैतन्य स्वरूप हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ। इस समय इसी प्रकार की कामना करना आवश्यक है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। सभी कष्टों से मुक्त हो करके न मैं पुण्य में हूँ
न पाप न सुख न दुख न मंत्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ न मैं भोजन हूँ न भोज्य हूँ न भोक्ता हूँ मैं चिदानंद हूँ मैं शिव हूँ। इस प्रकार से आचार्य शंकर ने भी जो है अपने निर्वाण षटकम में जिस प्रकार से मंगल की बात कही है इन सभी चीजों से उठ करके, क्योंकि इन पांच भौतिक तत्वों का ही यह स्वरूप है, इन पंचभूतों की जब तक रक्षा नहीं की जाएगी, जब तक उनके प्रति हमारी देवत्व की संकल्पना नहीं रहेगी, तब तक हम न प्रकृति को बचा सकते हैं न उससे स्वयं को बचा सकते हैं। इसलिए हम सब का स्पष्ट विधान होना चाहिए, जितने भी हमारे प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष जो कुछ भी जो सामने दिखाई देता है हम उस पे विश्वास करते हैं, लेकिन वह प्रत्यक्ष भी तो बाधित हो सकता है। अति दूरात, अत्यंत दूर होने के कारण भी वह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है। यह विषाणु एक अदृश्य शत्रु है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमको हम सभी को पूरा विश्वास है कि यह ज्ञान और विज्ञान की जो सतत परंपरा चल रही है इससे हम इस पे विजय प्राप्त करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे व्याख्यान में से जो मंगल तत्व सामने आया उस संपूर्ण प्रकृति के साथ स्वयं अपने विभिन्न अपने भीतर मंगल रखेंगे, हमारी आंखों में होगा मंगल, हमारी वाणी में होगा मंगल, हमारा देखना सुनना सब कुछ मंगलमय होगा, तो निस्संदेह सब कुछ मंगलमय होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्युते पूर्णस्य पूर्णमेवाधाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति 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 इति शम। संतोषी जी सर। हेलो, इसी के साथ हेलो मेरा व्याख्यान पूर्ण होता है इसी के साथ। जी जी सर, आप लोग कोई प्रश्न पूछना हो तो सर से पूछ सकते हैं। आप लोग अपनी ऑडियो को अनम्यूट कर दें, केवल वही अनम्यूट करें जिनको प्रश्न पूछना हो प्लीज, एक एक करके। हेलो सर। हाँ बोले बोले आप सर बोले। हेलो सर नमस्कार, मैं मनोरथ दाहाल सिक्किम से। हाँ बोले दाहाल जी, प्रणाम। हेलो। हाँ बोले सर, आपकी आवाज आ रही है सर तक। प्रणाम सर। हाँ, मैं एससी। हाँ जी सर, आपने जो प्राचीन सभ्यता की बात कही है बहुत अच्छा लगा, और ये प्राचीन सभ्यता और आज के जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुआ है विकसित हुआ है, तो आप इसके प्रभाव के बारे में कुछ हम लोगों के ऊपर प्रकाश डालें। देखिए कि जिस भी चीज का विकास होता है उसके दोनों पक्ष होते हैं। उसके गुण वाले भी पक्ष होते हैं, उसके दोष वाले भी पक्ष होते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे भीतर सद्भाव हो, मंगल का भाव हो, तो कोई भी चीज विकास कभी बुरी नहीं होती। हेलो। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। किन्हीं को और प्रश्न पूछना हो तो अपना म्यूट सॉरी वॉइस अनम्यूट कर दें। हाँ जी सर बोले सर। हेलो जी, आवाज आ रही है, बोले सर। जी नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं संजय ठाकुर बोल रहा हूँ सर, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स डायरेक्टर के तौर पे कार्यरत हूँ। हाँ हाँ जी जी। सबसे पहले तो आपको अभिनंदन, बड़ा ही जानकारी जो हमें प्राप्त हुआ, उपयुक्त जानकारियां थी। बट एक प्रश्न मेरा ये है कि सर, ये जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं इनको आज के परिवेश में किस हद तक हम जोड़ सकते हैं हमारे रूटीन एक्टिविटीज के साथ में। सर बड़ा डिफिकल्ट होता है इस मॉडर्न टाइम पे इन चीजों को ऐड कर पाना, तो कुछ इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। देखिए आपकी इच्छा होनी चाहिए जुड़ने के लिए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है तो कोई भी आधुनिक चीज आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने से नहीं रोकती है। आप समग्र परंपराओं को पालन करने में समर्थ होते हैं
बस आपकी भीतरी इच्छा अवश्य होनी चाहिए। जितने प्रकार के संस्कार इत्यादि का भी हम पालन करते हैं, आप देखते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा के अनुरूप उनका पालन करता है, लेकिन जिसकी इच्छा होती है वह तो परंपराओं का पालन करता ही करता है। आधुनिकता परंपराओं के पालन करने से नहीं रोकती है। आज इतने बड़े संकट के आ जाने के बाद हम सभी एक घर में आकर के बंद हो गए हैं, भले ही इस संकट की स्थिति में, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था, हर कोई ये कहता था कि हमारे पास समय नहीं है, हम मिल नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन एक संकट के समय तो यदि आपके भीतर प्रबल इच्छा है परंपराओं को पालन करने का, आपके पालन करने का, तो निस्संदेह आप पालन करेंगे। उसके लिए आपके पास समय और आधुनिकता कहीं भी नहीं रुकती है, चाहे इन आधुनिक यंत्रों का उपयोग करने में या आधुनिक रूप से व्यवहार करने में। हमारी श्रीमद् भगवद गीता जो है वो प्रबंधन सिखाती है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे शास्त्रों में है, बस उसके पालन करने की इच्छा मात्र होनी चाहिए। और उस संपूर्ण पॉजिटिविटी के साथ कहीं भी भीतर निगेटिविटी रहेगी तो आप निस्संदेह नहीं पालन कर पाएंगे। हेलो सर जी, हेलो सर, हेलो जी जी जी, पंडित सर आपका जो लेक्चर है बहुत अच्छा रहा। मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ कि विकास जब बढ़ता है तो हम संस्कृति से दूर हो जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है या ऐसी कोई नीति है जिसमें विकास के साथ साथ संस्कृति को भी जोड़े रख सकें? ये कहीं कहा नहीं गया है कि आप अपनी संस्कृति को छोड़ करके विकास की तरफ बढ़िए। चलत केकेना पादेना तिष्ठत केकेना बुद्धिमान। जब हम गमन करते हैं तो एक पैर हम रोकते हैं और आगे दूसरे पैर से आगे बढ़ते हैं, तो जो रुका हुआ पैर है वही परंपरा है और जो बढ़ा हुआ पैर है वही आधुनिकता है। अगर दोनों के समन्वय के साथ चलेंगे तो हम चलेंगे, अगर दोनों को परंपरा पे रोक देंगे तो गतिहीन हो जाएंगे, और दोनों पैरों को अगर आधुनिकता की तरफ बढ़ा देंगे तो हम गिर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, एक हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या पांडे सर? आवाज आ रही है सर। सर्वप्रथम मैं आपके इस व्याख्यान से आज बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर समता जैन है, मैं अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हूँ जबलपुर में। मैं एक चीज जो मेरे मन में थी और आज आपके इस चिंतन से उसमें और एक चीज एड ऑन करना चाहती हूँ और मुझे मार्गदर्शन चाहिए है। चिंतन, शिक्षा, विकास और धर्म, ये चारों चीजें आपस में सहसंबंधित हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब अपन विकास की दौड़ पे करती रहती है। हेलो, जैसे ही अपन विकास की तरफ अगर अपन आगे बढ़ने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म छूटने लग जाता है या हमारी मूल जो परंपराएं शिक्षा है वो छूटने लगती है। तो अभी आपने जो चीज बोली है, मैं चाहती हूँ कुछ आप ऐसा मार्गदर्शन सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें कि भले विकास की गति धीमी हो जाए लेकिन हमारा चिंतन और परंपराएं ना छूट पाए। ये मेरा अनुरोध है सर आपसे, कुछ इस दिशा में मार्गदर्शन। मैडम, आपके प्रश्न में जो अंतिम कड़ी थी जी हाँ, कि हमारा विकास कुछ कम हो जाए लेकिन ये सारी चीजें न छूटे। जी हाँ, हमको समन्वय के साथ चलना है, हमको विकास को, विकास का रोधन नहीं करना है। जी हाँ, लेकिन धर्म को भी नहीं छोड़ना है। हलो? धर्म का तात्पर्य समझने की आवश्यकता है। हलो, हम दिन भर में कई धर्मों का पालन करते हैं। मैं एक प्रश्न का जवाब दे लूं फिर आप बोले। जबलपुर से मैडम जैन है। जी हाँ जी हाँ, हम दिन भर में कई धर्म का पालन करते हैं। हम अपने पुत्र के सामने पिता धर्म का पालन करते हैं, पत्नी के सामने पति धर्म का पालन करते हैं, माँ के सामने पुत्र धर्म का पालन करते हैं, और कौन सा विकास आपको इस धर्म के पालन करने से रोकती है? सर, मेरा ये प्रश्न है, जो हम अर्थव्यवस्था चाहे वैश्विक स्तर की बात करें चाहे देशी स्तर पर चाहे प्रदेश के स्तर पर, और जो प्रेजेंट में जो हमारे सामने संकट आया हुआ है, उस समय जो भी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार ये रहा है कि विकास हमें नहीं छोड़ना है, हम लोग वही चाहते हैं उनके साथ हम चले, लेकिन कहीं ना कहीं अपन ये भी देख रहे हैं, रोज न्यूज में देख रहे हैं कि विकास तो हमें करना ही हमारी मजबूरी है सर। अगर अर्थव्यवस्था को हम छोड़ देंगे तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन ये चीज हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि कहीं कहीं ये हमारी जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है वो धर्म से दूर हो रही है, परंपराओं से उखड़ रही है, उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए सर। धर्म को स्पष्ट अपने दिमाग में करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को समझना होगा, धर्म को उलझा देने पे
स्वयं आप भी धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। मूल रूप से धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य, किम करणीय किम न करणीय, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, और यह धर्म देश काल की अपनी मर्यादा के साथ होता है। और इन सभी का समन्वय कीजिएगा तो अर्थ भी, अर्थ का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ का तात्पर्य होता है अप्राप्तस्य प्राप्ति है और अप्राप्तस्य रक्षण। अर्थशास्त्र ही कार्य किया करता है कि जो नहीं मिला हुआ है उसको कहाँ से पा लिया जाए और जो प्राप्त हो गया है वह रक्षित कैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही जी इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में धर्म छूटना नहीं चाहिए। धर्म का तात्पर्य मैडम सिर्फ कर्तव्य है, आडंबर नहीं है। सर संस्कृत भाषा का या उद्बोधन से आपके व्याख्यान से बहुत काम का लाभ हुआ है, सभी पार्टिसिपेंट्स को लाभ मिला है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। हेलो भाषा संस्कृत के जो अवमूल्यन में आप सुन पा रहे हैं सर, संस्कृत भाषा या जो संस्कृति में हमारे जो अवमूल्यन है इसमें शिक्षा और शिक्षक की भूमिका को कहाँ खड़ा पाते हैं, इसमें अपना एक विचार थोड़ा सा शेयर करें सर। सर आप सुन पाए मेरा क्वेश्चन? सर हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है, बोले सर। संस्कृत और संस्कृति के अवमूल्यन में शिक्षक की क्या भूमिका है? सामान्य तौर पे शिक्षक की जो वर्तमान भूमिका है वह न सिर्फ संस्कृत और संस्कृति के साथ है जैसा आपको दिख रहा है, वह समग्र विषयों के साथ है। उसमें व्यवस्थाओं का दोष ज्यादा है, न संस्कृत का दोष है न संस्कृति का दोष है। हेलो पांडे सर, जी 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 जी। हेलो पांडे सर, मेरा नाम अवनीश कुमार शुक्ला है। हेलो हाँ सर, सर मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सर अपने प्राचीन ग्रंथ में सर लिखा है कि प्रकृति जो होती है वो स्वयं अपने आप को संतुलित कर लेती है। ये तरह तरह के सर औद्योगिकरण से जो इतना प्रदूषण फैला है और ये इतना कार्बन इमिशन हुआ है और प्रकृति जो है उसका बहुत हास हुआ है, उसका नेचर जो है बहुत खत्म हो गया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो है प्रकृति ने अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसा वायरस बनाया है जिसकी वजह से मतलब ये इतना परिवर्तन भी आ रहा है, एक अच्छा परिवर्तन भी मिल रहा है, तो ये सब प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही दिया हुआ था। सामान्य रूप से जो आपका वाक्य है वो अप्रामाणिक वाक्य है जी। प्रकृति, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि प्रकृति जो है अपने आप को पुनर्जीवित करती रहती है। जैसे नदियों को आप देखते होंगे जब बाढ़ आ जाता है, पुनर्जीवित सर, सर हमने पुनर्जीवित शब्द नहीं यूज किया है। जी सर, जी सर मैंने पुनर्जीवित शब्द नहीं यूज किया सर, मैंने संतुलित यूज किया, मतलब अपने आप को संतुलन मिलाना। प्रकृति का जो है मतलब ये उनका प्रकृति का स्वभाव होता है, मतलब वो जब इम्बैलेंस हो जाती है तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। और इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सर होते हैं, जैसे सर ये जितने UNFCCC कॉन्फ्रेंस होते हैं कोई भी सर मतलब डिसीजन नहीं निकल पाता है, सारे राष्ट्र जो होते हैं वो अपने अपने हित को देखते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जब एक सीमा से परे हो गया तभी प्रकृति ने ऐसा? इसीलिए हम लोग हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि प्रकृति का रक्षण करते हुए उसका दोहन किया जाए, उससे जो कुछ लेना हो उसके रक्षण के साथ लेना हो, नहीं तो प्रकृति से आप ज्यादा ले लेंगे तो प्रकृति अपना जो निगेटिव वाला पक्ष है, जो नकारात्मक पक्ष है, आप पेड़ों को काट देंगे तो पेड़ों के कट जाने से जो भयावहता उत्पन्न होती है वह संकट तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो क्योंकि सर ये जो जो पांडे जी, हाँ हेलो जी, हेलो हाँ जी बोले। हाँ सर प्रश्न, हेलो सर मेरा ये कई ऑडियोज एक साथ आ रहे हैं सर, हमारा प्रश्न जो था उसका जवाब आप दे रहे थे पूरा सर। हाँ तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था, तो प्रकृति जो है अपने आप को बैलेंस करती है, लेकिन इस विषाणु के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में था या प्रकृति का ऐसा रूप है, क्योंकि अभी ये प्रकृति की विकृति है या मनुष्य स्वयं ही जो है
उस प्रकृति के साथ कुछ अनचाहा सा खिलवाड़ कर दिया है, तो ये प्रकृति का संतुलन नहीं है। हेलो 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 सर, सर प्रणाम। हेलो सर प्रणाम। सर मैं डॉक्टर कमलेश दुबे बोल रहा हूँ सर, सागर से। जी जी कमलेश। सर मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न था, मतलब एक प्रश्न का समाधान चाहता था मैं। सर धर्म जो है वो क्या व्यक्तिगत विषय है या उसकी सार्वभौमिक अभिव्यक्ति होती है? धर्म व्यक्तिगत भी है और सार्वभौमिक भी है। व्यक्ति का धर्म का तात्पर्य होता है कर्तव्य। जी दिन भर में हम कई धर्मों का पालन करते हैं। जब पुत्र के सामने जाते हैं तो पिता धर्म का पालन करते हैं, पत्नी के सामने जाते हैं तो पति धर्म का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार राजा का अपना धर्म होता है, राज्य का अपना धर्म होता है। प्रत्येक चर अचर सबका अपना अपना धर्म है और सबको अपने धर्म का, अगर अग्नि का धर्म है दाहकत्व, वो जिस दिन अपना दाहकत्व छोड़ देगा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जी जी। तो ये व्यक्तिगत नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है और सिर्फ सार्वभौमिक नहीं है। ये हर प्रकार के कर्तव्यों से निहित है। प्रत्येक तत्व प्रत्येक वस्तु के अपने कर्तव्य है। जी जी। कर्तव्य ही अधिकार होते हैं, ये दोनों के सेतु। जी सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको लगता है कि इस समय राष्ट्र धर्म और राजधर्म निभाया जा रहा है इस कोरोना के परिप्रेक्ष्य में? किसी संस्कृत के विद्यार्थी से इस प्रकार का प्रश्न ना करें, क्योंकि राष्ट्र धर्म और राजधर्म अनेक आपने धर्म की परिभाषा दी, इसलिए मैंने उससे ये पूछा कि क्या ये सही है कि नहीं। आपके विचार जानना चाह रहा हूँ मैं, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। ये जर आपका विचार जानना चाह रहा हूँ कि राजधर्म और राजधर्म क्या इस कोरोना की परिस्थिति में निभाया जा रहा है? इस समय राज्य धर्म या राष्ट्र धर्म यही है कि सिर्फ देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के मंगल के प्रति सबकी सकारात्मक सोच हो, यही धर्म है इस समय का। जी थैंक यू सर। सर मैं डॉक्टर लवली मौर्य, मेरा क्वेश्चन है आपसे सर। जी मैडम। हेलो। हाँ हेलो। बोले जी जी जी। मैं प्रश्न डॉक्टर लवली मौर्य, सर मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे कि जैसे कि हेलो। हाँ बोले आप, आपकी आवाज आ रही है। जो अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ है, उत्तर आधुनिकतावादी युग विकसित हो गया है और उत्तर आधुनिकतावादी विचारों का प्रभुत्व ज्यादा चल रहा है, तो इस COVID-19 जो महामारी फैली है, तो क्या इसके भारतीय समाज क्या वो पुरानी भारतीय चिंतन परंपरा में दोबारा उस चीजों को फॉलो करने में अपने आप को क्या भारतीय समाज उस ओर उन्मुख होगा, भारतीय चिंतन परंपरा की ओर अग्रसर होगा? मैडम देखिए, विकास के जो सोपान होते हैं वह अपने पहले सोपान से अलग नहीं होता है। आप किसी भी सीढ़ी पे चढ़ती हैं उसका पहला सोपान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितनी उत्तर आधुनिकता है। परंपरा और आधुनिकता या उत्तर आधुनिकता, जिस वस्तु को जिस शैली को जिस प्रकार से जैसे स्वीकार किया वही उत्तर आधुनिकता है, तो वह कहीं भी परंपरा से पृथक नहीं। हेलो। हाँ बोले। ठीक है ठीक है ठीक। सर के इस शानदार उद्बोधन के लिए मैं सबसे पहले तो सर को बधाई दूंगा कि बड़ा ओजस्वी और बड़ा विद्वत्तापूर्ण उद्बोधन आपका रहा। अच्छे लेक्चर की पहचान यही है कि जो लोग उस विषय से जुड़े नहीं हैं उनके मन में भी जिज्ञासा और हलचल पैदा कर दी, और आज आपने उन लोगों के मन में भी हलचल पैदा कर दी जो लोग बेसिकली संस्कृत भाषा या संस्कृत विषय से जुड़े नहीं हैं। अर्थशास्त्र वाले के भी मन में प्रश्न है आपकी बात को लेकर, सबके मन में प्रश्न है। तो बहुत खूबसूरत आपका आज का उद्बोधन रहा कि पंचभूतों के प्रति देवत्व की संकल्पना ही समस्त मंगल कार्यों का मूल है और इस सृष्टि का या इस प्रकृति ही ईश्वर है, और प्रत्येक जीव प्रत्येक तत्व के साथ यदि ईश्वरीय संकल्पना के साथ हम रहें तो ये मंगल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम मंगल की ओर जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो बात कही गई है वो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति में समाहित है, हमारे लिए तो
उदारी चैता नाम तू बसुधैव। और आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद संकट में हमारा देश है, फिर भी सारे देशों की मदद करने में लगे हुए हैं दवाइयों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से, तो ये वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को ही पुनर्जीवित करता है या उसका एक उदाहरण है। तो भले आलोचना का विषय हो सकता है कि खुद भी संकट में है, अमेरिका को दवा भेज दिया, लेकिन ये वसुधैव कुटुंबकम की ही संकल्पना है कि हम भी जिएंगे और आपका भी कल्याण करेंगे, साथ में जो है खुद भी चमकेंगे और आपको भी चमकाएंगे, हम अकेले नहीं चमकेंगे। तो ये आपने बड़ा खूबसूरत उद्बोधन आपका रहा, साथ ही ये बात कि हम परंपरा और आधुनिकता दोनों के मेल को, दोनों के सामंजस्य को लेके ही आगे बढ़ सकते हैं और हम किसी एक को छोड़ नहीं सकते, हमको आगे भी बढ़ना है लेकिन अपनी पुरानी चीजों को जिंदा भी रखना है, उनको भी लेके हमारे यहाँ एक वाक्य है कि साहित्य या संस्कृति को समझने के लिए हमको मन से गंवार होना पड़ेगा। वाह वाह, हमको लिए रहना है बन पाएंगे, नहीं तो हम आगे की चीजों को भले देख लें लेकिन हमारी पीछे की चीजें अगर छूट जाएंगी तो फिर हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे। जड़ों से कट के नहीं रहना है, उससे हमको जुड़ के रहना है। और यही बात कल प्रोफेसर तोमर साहब ने कहा कि हमको अपने पिज्जा बर्गर को छोड़ के बाटी चोखा और दाल पूरी की ओर वापस आना है, हमको दुश्मन करना है बबूल और महुए की, तब जो है हम अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। तो बहुत ध्यान के लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद सर। धन्यवाद। संस्कृत पढ़ने की और उस पर जानने की वजह आपने पैदा की है कि किस तरह से हम उसको नए परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और सोच सकते हैं उस ढंग से। साथ ही साथ मैं सभी प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों के उत्साह से और हमारे आपने जिस तरह से हमारा सहयोग किया कि शुरुआत में जब हम लोगों ने शुरू किया 11 मई को तो पहला व्याख्यान हमारा मेंटल हेल्थ को लेके था, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप यादव जी दिल्ली विद्यालय से संबोधित किए। 12 मई को गुड न्यूट्रिशन पे हमारा लेक्चर था जिसको डॉक्टर नीति सिंह जी ने संबोधित किया था। 14 मई को शेपिंग यंग माइंड्स को लेके डॉक्टर संजय प्रसाद शर्मा सर ने बात की थी। 15 को डॉक्टर यूपी सिंह ईसीसी के सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे उन्होंने चर्चा की थी। कल 16 को प्रोफेसर जीएस तोमर सर ने होस्ट इम्यूनिटी एंड कोविड-19 पे चर्चा की थी। और आज वर्तमान वैश्विक संकट के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का चिंतन और चिंतन विषय पे जो डॉक्टर विवेक पांडे जी को हम लोगों ने सुना है, तो हमारी वेबिनार सीरीज आज पूर्ण हो रही है और हमें खुशी है कि आप सब ने इतना स्नेह दिखाया है कि 1200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने भाग किया हमारी वेबिनार सीरीज में। और जो जूम ऐप पे हम लोगों ने शुरू किया था, हमारी प्राचार्य डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी जी को अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ा जूम ऐप को कि हम सबको सुनवा सके, हमारी ऑडियंस की सीमा बढ़ सके, और हम लोगों ने ये काम किया है। तो सबके प्रति मेरा शुक्रिया कि आप सब ने इतनी मोहब्बत दिखाई हम लोगों के प्रति और अपना स्नेह हमको दिया। मैं अपने महाविद्यालय के सारे प्राध्यापक साथियों डॉक्टर सुरेश जैन, डॉक्टर पदम सिंह सर, डॉक्टर एसपी शर्मा सर, डॉक्टर अभिलाष जी, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, डॉक्टर आदित्यनाथ जी, डॉक्टर प्रमिला मैडम, डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा, डॉक्टर संतोष कुमार यादव, डॉक्टर राजकरण पटेल और डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय समय पे हमें मार्गदर्शन दिया और हमारी चीजें शेयर की। ऑनलाइन टॉक में शेयरिंग बहुत जरूरी है, हमने आपको कोई चीज दी तो आपने फैलाया उसको, तभी इतने लोग जुड़ पाए। तो सबके प्रति मेरा हार्दिक आभार है, धन्यवाद है। डॉक्टर पंकज जी लगातार अपना तकनीकी सहयोग हमारे कोऑर्डिनेटर साहब को दे रहे हैं, पंकज जी के प्रति भी हार्दिक आभार। और सबसे अधिक आभार हम अपने प्राचार्य डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी जी के प्रति व्यक्त करेंगे कि आज के संकट में जो ज्वलंत मुद्दे थे उन मुद्दों पर चर्चा का हम लोगों को मौका दिया, मेंटल हेल्थ को लेके, गुड न्यूट्रिशन को लेके, यंग माइंड्स को कैसे उदासीनता से बचाएं, कोविड-19 में इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें, इन सारे विषयों को और हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा में आज के संकट को कैसे देखा गया है, इन सारे विषयों पर चर्चा करने का जो मौका मिला वो हमारी प्राचार्य की वजह से। हमें अपनी प्राचार्य डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी जी के प्रति हार्दिक आभार अपनी ओर से और अपने कोऑर्डिनेटर महोदय की ओर से, सारे प्रतिभागियों की ओर से व्यक्त करता हूँ। इस वेबिनार सीरीज में जिस एक व्यक्ति ने सबसे अधिक मेहनत किया और सबसे अधिक अपना समय दिया है डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, हमारे यहाँ बॉटनिक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रात दिन लगे हुए हैं कैसे सबको सूचित किया जाए, कैसे सर्टिफिकेट डेवलप करें, कैसे बताएं सबको, हमारे जो वक्ता हैं कैसे उनसे कम्युनिकेशन करें। मैं आपको बधाई भी देता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए, महाविद्यालय का नाम आपने ऊंचा किया है, इसके लिए आपको
प्रति आभार भी है और आपको बधाई भी है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज का जो लेक्चर था जिसमें आपने मंगल की कामना की, एक केदारनाथ अग्रवाल की कविता है कि जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रब के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। ये कोरोना जाएगा और हम कोरोना के मारे मरने वाले नहीं है, हमारी प्राचीन परंपरा है। स्वास्थ्य में जयते। पुनः पुनः आप सबका हार्दिक धन्यवाद प्रणाम, और मैं सबको एक बार फिर अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम।